बगिया में कोयलिया भरे भरे, बगिया में कोयलिया भरे भरे, मस्ती में पुकारे राहुल ले, मस्ती में पुकारे राहुल, मस्ती में पुकारे राहुल राहुल। ये गान चल रहा है महिलाओं का, और आप ये जो पूरा कुनबा देख रहे हैं, पूरी जो भीड़ देख रहे हैं, ये राहुल बाबा के इंतजार में खड़ी है भीड़। और ये जो स्थान है ये बूढ़े मोड़ कहलाता है। इधर आप जाएंगे तो देवघर हो जाएगा, इधर जाएंगे गिरिडीह हो जाएगा, और इधर जामताड़ा होते हुए आप धनबाद घुस सकते हैं। अभी जो देवघर रोड से है वो राहुल जी का आगमन होने वाला है। अभी तक जो सूचना मिली है वो सूचना ये है कि बाबा धाम के दरवाजे में राहुल जी ने माथा टेक दिया है, और इस झारखंड में खुशहाली का पैगाम लेकर के राहुल की न्यायिक यात्रा निकली है। और राहुल के स्वागत में, उसके खैर मकदम में यहाँ महिलाओं का भी जत्था उसके इंतजार में खड़ी है। परिचय का मोहताज नहीं है फुरकान अंसारी साहब, और उनकी जो सुपुत्री है, उनकी जो लाडली है, वो खुद इस सड़क पे राहुल के इंतजार में खड़ी है। क्या गुड नेम है आपका? शबाना खातून। शबाना खातून जी, हाँ। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है यहाँ? हम लोग मोहब्बत का पैगाम लेकर के हमारे देश के नेता आए हैं जी, जो हम लोग भावी प्रधानमंत्री उनको मान रहे हैं जी, और वो प्रधानमंत्री इस बार बनेंगे, यही सो हम लोग की सोच है, और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे देश का जो नेता आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री बने। तो राहुल जी के आने से क्या हो जाएगा? आने से होगा कि जो हम लोग महिला पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके लिए एक लड़ाई जो लड़ रहा है, उनके साथ है हम लोग, और उनके साथ एकजुट लगे रहेंगे, उनके साथ हम लोग एकजुट कदम से कदम मिला करके, और देश में जो बीजेपी की सरकार जो अन्याय के खिलाफ में हम लोग जितने युवाओं को छल रही है, महिलाओं को छल रही है, रोजगार नहीं दे रही है, इसके लिए हम लोग रोड पे राहुल जी आए हैं, और हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे उनके साथ। यहाँ तो सरकार आपकी, आपके भाई साहब खुद विधायक हैं। भाई साहब विधायक है, लेकिन राहुल गांधी हम लोग के धरती पे आए हैं, झारखंड धरती पे आए हैं, तो उनके साथ हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि नया यात्रा निकला है इधर से, तो उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ जो बदलाव की आप कह रही हैं, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, रोजगार, यहाँ खुद तो आपकी सरकार है, तो आप किसे मान रही हैं? यहाँ की नहीं कह रहे हैं, मैं पूरी देश की बात कर रही हूँ। देश में जिस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ मैं बात कर रही हूँ। मैं हम लोग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग झारखंड की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के भाई को इतना प्रधानमंत्री है, और उन्हीं के लिए हम लोग आज उनके साथ में कदम से कदम मिला के चले। तो हम लोग झारखंड सुधार लेते, फिर देश की बात करते। झारखंड में तो बीजेपी हम लोग को फंसा करके एक आदिवासी मुख्यमंत्री है उसके साथ मिल करके, नहीं सुनिए ना, आदिवासी मुख्यमंत्री है, उनके मुख्यमंत्री थे, उनको हमेशा से ईडी का डर लगा के, जिस राज्य में हम लोग का सरकार है उसमें ईडी का डर दिखाया जाता है, यही राहुल गांधी आगे हमारे नेता में चल आगे तो आपने बोलिएगा बोलेंगे बोलेंगे बोलते जाइए हम लोग राहुल गांधी आ जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं? चलिए, इनके राहुल गांधी आ गए हैं, नहीं आए नहीं है, कौन आ गए, कौन आए? फुरकान अंसारी साहब आ गए, तो फादर आए तो बेटी को तो जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी साहब भी राहुल जी के खैर मकदम में यहाँ पहुँच गए हैं, और उनका काफिला चल रहा है, और लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कैसे हैं सर आप? कैसे हैं? ठीक है। राहुल बाबा के आने से झारखंड में क्या फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि राहुल बाबा के झारखंड आने से झारखंड की आबो हवा में क्या फर्क पड़ेगा? राहुल बाबा मत बोलिए, राहुल गांधी बोलिए। बाबा बाबा आप लोग तो बोलते हैं बड़े प्यार। नहीं, राहुल गांधी बोलिए। राहुल गांधी ही बोलते हैं आप? आप लोग भी राहुल गांधी बोलिए। अच्छा, राहुल गांधी जी के आने से झारखंड के आबो हवा में, राजनीतिक आबो हवा में पूरा क्या फर्क पड़ेगा? पूरा उछाल है। उछाल है मतलब? उछाल 14 में 14 बिल्कुल। तो जेएमएम को कुछ नहीं देंगे? हाँ, जेएमएम को कुछ नहीं दीजिएगा भाई? गठबंधन है हम लोग का है। अच्छा, गठबंधन है? मेरा गठबंधन है जेएमएम के साथ। अच्छा, जेएमएम और कांग्रेस दोनों गठबंधन है। अच्छा, दोनों मिलकर के उछाल पैदा कर दिया झारखंड में, और साफ कर दिया बीजेपी।
आप गुस्सा जा रहे हैं सर हम पर, आप पत्रकार पर नहीं गुस्साइए। हाँ सर, ये बड़ी चर्चा है कि कोडरमा से फुरकान अंसारी आएंगे, अभी सीट के बारे में कोई चर्चा नहीं है। नहीं, अभी सीट के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? कहाँ कहना मुश्किल है, मुश्किल अभी ये कैसे कह सकते हैं? अभी तो हम लोग आगे आएंगे। अरे विराद हो गए सर, कुछ तैयारी को लेकर के प्रयास लगाए जाते हैं। ये सब तैयारी है, हम लोग जो है जी अन्याय के खिलाफ है। अच्छा, अन्याय के खिलाफ है, अन्याय की यात्रा है। अच्छा, अभी के बारे में मत पूछिए। आप बहुत पुराने बुजुर्ग में हैं और आप सांसद भी रह चुके हैं। हेमंत के जाने के बाद चंपई आने से सरकार और बेहतर होगी कि क्या क्यास लगाया जाए? हम लोग हेमंत या जे या हेमंत हो या चंपई हो या शिबू सोरेन, हम लोग जे में उनको जानते हैं। अच्छा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा साफ कर देगा। चलिए, ये फुरकान अंसारी साहब है और पूरे जोशो खरोश में है इस उम्र में भी। कोई और कुछ शेर उर में कुछ बात आप करेंगे क्या? बड़ा अच्छा शेर भी आपका रहता है हमेशा, कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया शेर आप बोलते हैं। बस हम भाई हम जैसे बच्चों के लिए तो कुछ है क्या इस माहौल को, इस खुशी के माहौल में कोई शेर उशारी नहीं? चलिए, फुरकान अंसारी साहब है और पूरे खुशी और उमंग से लबरेज है।